ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभ राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब 4 सितंबर से 10 सितंबर यानी कि इन 7 दिनों में सूरज की तरह चमकेगा आपका भाग्य। क्या दोस्तों, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अब आपको 4 सितंबर से 10 सितंबर यानी कि 7 दिनों में 5 शुभ समाचार और बड़ा सरप्राइज मिलेगा। या दोस्तों, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके लिए 4 सितंबर से 10 सितंबर यानी कि 7 दिनों का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। या दोस्तों, इन 7 दिनों में बन रही कार्य सिद्धि योग और सूर्य का शुभ योग आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। इन 7 दिनों का समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। इन दिनों हो रहे ग्रहों में बड़े बड़े परिवर्तन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। या दोस्तों, उन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि वालों के ऊपर किस प्रकार शुभ और किस प्रकार अशुभ रहेगा, इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं। या दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 सितंबर से 10 सितंबर यानी कि आपकी राशि के इन 7 दिनों के महाराशि फल के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि इन 7 दिनों में आपको किन किन चीजों से फायदा होगा, किन किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक भी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से 4 सितंबर से 10 सितंबर यानी कि 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, यह समय घर परिवार तथा संबंधियों के साथ अच्छा व्यतीत होगा। अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लाभदायक रहेगी। कुछ समय से आप अपने व्यक्तित्व में और अधिक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उससे आपको सामाजिक व पारिवारिक सराहना भी प्राप्त होगी। दोस्तों, इस समय आप अपनी प्रभावशाली तथा मीठी वाणी द्वारा दूसरों पर अपना प्रभाव बना लेंगे। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित भी रहेंगे। घर में महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा। दोस्तों, इस समय आप धन संबंधी कुछ नई नीतियों की योजनाएं भी बनाएंगे, उसमें सफल भी आप रहेंगे, इसलिए प्रयासरत आपको रहना आवश्यक है। दोस्तों, पारिवारिक सुख सुविधाओं पर भी खर्च होगा। किसी नजदीकी मित्र के यहाँ धार्मिक समारोह में जाने का भी आपको अवसर भी मिलेगा। जा दोस्तों, इस समय निवेश संबंधी गतिविधियों पर समय व्यतीत होगा और काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होगी। दोस्तों, साथ ही साथ खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु आय के साधन भी बने रहने से दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। दोस्तों, इस समय अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी रहेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने संबंधित योजना बन रही है तो उस पर ध्यान आप केंद्रित रखें। दोस्तों, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण एकाग्रचित रहेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से आप समर्पित रहें। दोस्तों, इस समय ग्रह स्थितियां आपके लिए उचित भाग्य का निर्माण कर रही हैं, इसलिए इनका आप सदुपयोग करें। कोई पारिवारिक धार्मिक भोजन संबंधित योजना भी बनेगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, परंतु दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण बातचीत या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचार विमर्श तथा जांच पड़ताल आप अवश्य करें। छोटी सी लापरवाही से आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, इस समय कभी कभी आत्म केंद्रित होने तथा अहम की भावना रखने से आपसी बातचीत में कुछ वाद विवाद होने की भी स्थिति बन रही है। दोस्तों, अपने इन गुणों का आप सकारात्मक रूप में उपयोग करें तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, यह समय अत्यधिक खर्चों की वजह से आपका बजट भी बिगड़ सकता है, इसका अवश्य आप ध्यान रखें।
घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय उनकी देखभाल के लिए भी आप अवश्य निकालें। या दोस्तों कुछ समय पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी आप व्यतीत करें। ज्यादा आत्म केंद्रित होना आपके संबंधों में खटास उत्पन्न कर सकता है। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। जा दोस्तों इस समय किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर जरा सी भी लापरवाही आप ना बरतें। दोस्तों कोर्ट से संबंधित कोई मामला अभी उलझ सकता है, इसलिए किसी योग्य व्यक्ति से आप सलाह अवश्य लें। दोस्तों मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ अपना समय आप व्यतीत करें तथा कुछ समय एकांत में बैठकर आत्मचिंतन भी आप अवश्य करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। दोस्तों अब बात करें लव लाइफ के नजरिए से, तो पति पत्नी का आपसी संयोग घर परिवार की व्यवस्था को उचित तथा खुशनुमा बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध मर्यादा पूर्ण रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुशनुमा माहौल भी रहेगा। साथ ही साथ जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर की व्यवस्थता थोड़ी गड़बड़ा सकती है, उनके स्वास्थ्य का तथा परिवार का आप अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों साथ ही साथ इस समय पति पत्नी के संबंधों में कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक संभव है, परंतु इससे आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी। दोस्तों परिवार तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बनाकर रखने से दोनों तरफ सुकून भरा वातावरण रहेगा, प्रेम संबंधों में भी प्रगढ़ता आएगी। दोस्तों बात करें आपके करियर और व्यवसाय की, तो अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की आप चेष्टा ना करें। जैसा वर्तमान में चल रहा है उस पर ही आप ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा लोगों को अपना काम बहुत ही अधिक ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता है। दोस्तों यह समय अपनी रुकी पेमेंट कलेक्ट करने तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने पर आप ध्यान केंद्रित रखें। दोस्तों आपको काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होगी। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई स्थान परिवर्तन संबंधी सूचना भी मिलने की संभावना है। दोस्तों यह समय व्यवसाय में आंतरिक सुधार या स्थान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है और ऐसा करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। ऑफिस के माहौल में राजनीति जैसी गतिविधियां हो सकती हैं, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों कार्य क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का योगदान आपके लिए व्यवसाय संबंधी कुछ नई उपलब्धियां प्रदान करेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को भी अपने कार्य में उचित योगदान देने से उच्च अधिकारियों की सराहना भी प्राप्त होगी, जिससे उनको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों यह समय मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते हुए जाएंगे, इसलिए पूर्ण रूप से इन कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें। आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी ऑफिस का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति अपना आप पूरा ध्यान केंद्रित रखें और दूर दराज क्षेत्रों से महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे और अच्छे ऑर्डर भी मिलने की संभावना है, परंतु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष आप जाहिर ना करें क्योंकि आपके साथ चीटिंग हो सकती है, सावधान रहें। दोस्तों बात करें आपके स्वास्थ्य के नजरिए से, तो स्वास्थ्य इस समय आपका ठीक रहेगा, परंतु खान पान और दिनचर्या संयमित रखना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों साथ ही साथ यह समय आप अपने अंदर ऊर्जा व आत्मबल की कमी महसूस करेंगे। मेडिटेशन व योग पर भी आप कुछ समय व्यतीत करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या दोस्तों अपने खान पान पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दें और नियमित आप योग करें, प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें।